भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य बाबा गिरिदास जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि गंगादास जी महाराज की जय। सत स्वामी आप सबको प्रणाम। जय श्री राम। राष्ट्र धर्म का निर्वहन करते हुए और लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सभी भक्त संतजन अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। शायद एक आध बार मन में शिकायत भी उठती होगी कि परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, परमात्मा ने ऐसा करना चाहिए था। लेकिन मेरा मानना है कि परमात्मा से शिकायत नहीं, शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि शिकायत के द्वार से जीवन में कभी प्रसन्नता नहीं आती है। धन्यवाद के द्वार से ही जीवन में प्रसन्नता प्रवेश करती है। लेकिन साधारण व्यक्ति की क्या दशा होती है? जब जीवन में सुख आता है तो कभी परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, सुख में हम अहंकार से भर जाते हैं, और जब दुख आता है तो हम परमात्मा से शिकायत करते हैं। लेकिन परमात्मा ने इतना कुछ दिया है हम सबके लिए, किया है, उसमें कोई न कोई इस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा छिपी होती है, इसलिए हमेशा धन्यवाद करते हैं। क्या नहीं दिया परमात्मा ने और क्या हमारे लिए नहीं किया है, और भक्त तो यही भाव गुनगुनाता है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा जो मिला है परमात्मा की कृपा से उसमें आपको खुशी मिलेगी।
Gratitude toward God brings feeling of abundance. Joy and contentment. Try to value and appreciate all that you have blessed with. परमात्मा सर्वसमर्थ है, लेकिन कभी कभी इंसान को भ्रम हो जाता है कि मैं विज्ञान के बल पर सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हथियारों की नोक पर सारे संसार को जीत सकता हूँ। लेकिन परमात्मा वो सर्वशक्तिमान है, बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता है। और जैसी परिस्थिति संसार में हुई, जो अपने को सुपर पावर समझते थे, उन्होंने परमात्मा की शक्ति के आगे, प्रकृति के आगे घुटने टेक दिए। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए, ख्याल करिए, परमात्मा सब कुछ कर सकता है इंसान में। गरे बोला दिल से थल करे, थल से जल कर दे थे, साहेब तेरी साहेब श्याम कहूं श्वेत। परमात्मा पल में जल से थल बना सकता है, शक्ति पर थल से जल कर सकता है। हे प्रभु, हे साहेब, तेरी विराट साहेब है, मैं व्याख्या नहीं कर सकता, वो श्याम है, श्वेत है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव यही था, जैसी परिस्थितियां आए परमात्मा का धन्यवाद करिए, उसकी रजा में रहिए। और मैं कभी कभी गुनगुनाती हूँ, कुछ पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सारे गुरु नाम का सुमन करते रहिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान।